पूरा साफ करना है, दीवार टूटना, पूरा डालो सब।
कोटा मसला क्या के डायरेक्शन के ऊपर ये रहमतुल शाह दरगाह शरीफ और कब्रस्तान की जो जगह है ये यहाँ पे कुछ होटल और कुछ चीज़ें बन के बनाकर लकड़ी की स्टॉल चला रहे थे। इसके ऊपर वकबोर्ड ट्रिब्यूनल चले गया, ट्रिब्यूनल में वकबोर्ड के फेवर में कोर्ट आया। इसके बाद ये ट्रिब्यूनल के आर्डर को हाईकोर्ट अलो करा, फिर हम इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट क्लियर डायरेक्शन दिया 3 महीने के अंदर इसको प्रॉपर्टी को हैंडओवर करने के लिए डायरेक्शन दिया गया। इसके ऊपर हम रेवेन्यू आरडीओ को एज़ पर आरडीओ के एवेक्शन आर्डर के ऊपर वो बोर्ड की टीम आकर प्रॉपर्टी हम हैंडओवर कर लिए हैं। इस प्रॉपर्टी ये जो प्रॉपर्टी है ये वफ़ की प्रॉपर्टी, पीर वफ़ की प्रॉपर्टी है। ये जो भी है अल्लाह वाले अल्लाह के राह में जो प्रॉपर्टी वफ़ करे, ऐसे प्रॉपर्टियों को लोग लेकर इल्लीगल तरीके से मैनिपुलेट करके और कोर्टों तक जाकर आज वक्फ बोर्ड से लड़ा कर रहे हैं, ये गलत है। वफ़ की प्रॉपर्टी वफ़ की रहेगी, 1000 साल होने दो, क़ियामत तक वफ़ की रहती। मेहरबानी करके जो भी वफ़ की प्रॉपर्टी खाने वाले, वफ़ की प्रॉपर्टी लैंड ग्रैबिंग करने वाले, वफ़ की प्रॉपर्टी को गलत इस्तेमाल करने वाले के लिए एक मैसेज है, ये बहुत बड़ा मैसेज है। इसलिए ये वफ़ का मामला है, वफ़ के मामले में कोई भी कोर्टों तक जाकर यहाँ तक नहीं करना। अगर कोई वफ़ की प्रॉपर्टी है मालूम हो गया तो किरायादार बन जाओ, आसानी से किरायादार बन जाओ, आप किराए से रह सकते, आपको किराए से रहने में कोई एतराज़ नहीं है। ये करीब 130 गज 140 के करीब है, और इसके तहत बाकी के पूरे प्रॉपर्टियां हैं वो सब किराया दे रहे हैं, लोग किरायादार है, ये एक ही जो सो ओनरशिप क्लेम करके लड़ रहे थे, गलत साबित हुआ वफ़ की प्रॉपर्टी बल्कि टोटल एक्सटेंड लैंड जो लैंड है दरगाह की जो लैंड है ना, जो कब्रस्तान की लैंड है वो पूरी एक्सटेंड लैंड है, उसमें डिस्प्यूट ये 130 का है। ये
ट्रिब्यूनल गए पहले, ट्रिब्यूनल वक्फी ट्रिब्यूनल गया, ट्रिब्यूनल क्लियर कट, कभी भी ट्रिब्यूनल सिविल कोर्ट ट्रिब्यूनल टाइटल देखता, टाइटल क्लियर साबित करके वक्फी प्रॉपर्टी बोला और टाइटल के ऊपर हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट अलो किया, उसके बाद हमारे हाईकोर्ट अलो करने के बाद हम क्या करें उसको अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दिया ये इंक्रोचमेंट हुआ ये प्रॉपर्टी का आर्डर ई पार्टी का, और इसके ताल्लुक से मीडिया के सामने ऐसे हज़ारों केसे हैं लड़ रहे हैं इसके ऊपर, हमारे सी ओ साहब शाहनवाज कासिम साहब, अब अभी वक्फ बोर्ड सलीम हम सलीम साहब भी चेयरमैन सलीम साहब, ये लोग अभी इसके तहत इसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं, स्पेशली अब हमारे जो ऑफिस है हेयर ऑफिशल्स के डायरेक्शन पे हम आए, आरडीओ को डायरेक्शन दिए, आरडीओ कलेक्टर कलेक्टर आरडीओ को देने के बाद हम जो है सो हमारे पोजीशन हैंड ओवर कर दिए हैं, हैंड ओवर कर लिए पोजीशन में, वफ के प्रोपोर्शन में प्रॉपर्टी ले चुके हैं, ये है बात। अब कितने प्रॉपर्टियाँ कितने केसेस वो अलग लिस्ट है, प्रॉपर्टी के ऊपर, मस्जिद के प्रॉपर्टी के ऊपर, कब्रस्तान के प्रॉपर्टी के ऊपर, कोई भी दुनिया का बड़ा से बड़ा ताकतवर हो नैतिकता हो सकता कोई आ गया है, इसके ऊपर हम कंप्लेंट कर चुके हैं, लीगल एक्शन शुरू हो गया है, यही नहीं कहीं का भी होने दो, अब जो जिस तरह से अब हम जो हम लीगल जा रहे हैं, हम जो कंप्लेंट कर रहे हैं, जो FIR कर रहे हैं, नहीं छोड़ दें, सवाल ही नहीं है। अब ये प्रॉपर्टी किसको देंगे साहब, ये मुतवल्ली साहब को देंगे या नहीं, वक्फ डायरेक्ट मैनेजमेंट में वक्फ बोर्ड लेगा, वक्फ बोर्ड मैनेजमेंट में लेगा, बाद में डिसाइड करेंगे सर। वक्फ पे जो एंडास किया जाता, मेरे को जो टास्क दिया जाता उसके ऊपर हम टफ एक्शन लिए, टास्क मेरे को दिया गया, मैं टास्क कम्प्लीट कराऊँ।